एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस अभी हमारा कपलिंग रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू है आज कपलिंग रिएक्शन में पढ़ाने वाली हूँ कौन सा नगेसी कपलिंग रिएक्शन इससे पहले हमने क्या कम्प्लीट कर रखा है सुजिकी कपलिंग रिएन है तो अब थोड़ा थोड़ा आई होप मुझे लग रहा है कि आपके जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन को देख के थोड़ा जो डर आता है ना एग्जाम में कि यार ये तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है हम नहीं बना पाएंगे ऐसे तो जितने भी वो स्टूडेंट जो थोड़े से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं उनको हेल्प मिलने वाला है क्योंकि ये भी एक टाइप ही है नेम रिएक्शंस का जो आता है सी एस नेट में सी एस नेट आई आर टी जे इनमें इनके क्वेश्चन आते हैं गेट में भी क्वेश्चन आता है ये भी नेम रिएक्शन ही है अगर आप इसे ऑर्गेनिक पर्पज से पढ़ो तो थोड़ा सा लगने लगता है कि यार टफ है लेकिन जैसे ही हम उसको एज ए कैटलिटिक मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं है ना कैटलिटिक मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं इनऑर्गेनिक के साथ इन्वॉल्व करके पढ़ते हैं तो हमें ईजिली सारे टाइप के जो कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है वो लर्न हो जाता है ठीक है स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब मैं क्या करूँगी ये जैसे हमारे कपलिंग रिएक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद नेम रिएक्शन से आपको वीडियो मिलने वाला है सारे नेम रिएक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कहाँ पे हमारे बीएससी के एमएससी के उसके बाद नेट गेट में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा नेम रिएक्शन को भी एज ए सुपर ट्रिक है ना कैसे हम उसके क्वेश्चन को बना सकते हैं कैसे हमें उस क्वेश्चन के लिए डर को भगाना है अप्रोच कैसे लगाते हैं हम किसी रिएक्शन को कराने में ठीक है उसको उसी वे में पढ़ेंगे ईजी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो शेयर करो लाइक करो और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे स्टार्ट है। करते हैं नगेसी कपलिंग रिएक्शन नगेसी कपलिंग रिएक्शन जो है वो भी एक टाइप से क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का पहले भी बता दिया है मैंने क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में दो डिफरेंट टाइप के कार्बन ग्रुप होते हैं उनमें आपस में कपल होता है ठीक है वो एकदम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है तो ये जो है नगेसी कपलिंग रिएक्शन जो है वो टाइप से क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का जहाँ पर कपल कराया जाता है कि इनको ऑर्गेनो है की कपल होती है ऑर्गेनो जो है वो कपल होता है विद द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनो हैट कंपाउंड लिया जाता है साथ ही ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लेते हैं एंड स्पेशल कैटलिस्ट पहले भी पढ़ रहे हैं सारे टाइप के जितने भी कपलिंग रिएक्शन है उसमें निकेल एंड पैलेडियम से बने हुए कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट ये जो है उनमें ये दो कार्बन कंपाउंड ग्रुप जो होता है हमारा वो आपस में कपल कर जाता है एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ठीक है इस टाइप की कपलिंग रिएक्शन को ही बोला जाता है आपका नगेसी कपलिंग रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बना सको उसके लिए रख लिख रखा है या फिर आप इसका स्क्रीन ले लो यहाँ पर जो हमारा आर ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है मे बी एल्केलाइन ठीक है एक हो सकता है, हो सकते है ये अलाइलिक ग्रुप हो सकता है अरायल ग्रुप हो सकता है बिन्ल ग्रुप हो सकता है एल्काइनाइल ग्रुप हो सकते हैं और एल्केल ग्रुप हो सकता है है ना एक्चुअली देखा जाए तो ये जो एल्केल ग्रुप होता है ना उसको उसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसको यूज़ किया जाता है नगीसी कपलिंग रिएक्शन को साथ ही यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनोजिंक हम लेते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो कौन कौन सा हो सकता है वो भी एल्किल हो सकते हैं एल्किनाइल हो सकता है एलाइल हो सकता है एराइल हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारे ग्रुप जो है वो इनमें हो सकते हैं अब इसका अगर सीधे से क्वेश्चन आ गया तो देखते ही हम कैसे पहचानें है ना तो जहाँ भी आपको ऑर्गेनो हेलाइट में क्या एक तो ऑर्गेनो हेलाइट दिख जाए किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनो हेलाइट दिखे और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड मिल जाए मतलब वो भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है ऐसा नहीं अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है ना यहाँ पे क्या करेगा वो इस आर ग्रुप को बहुत बड़े ऐसे चेन में बना सकता है साथ ही इसको भी बना के देगा वो एक्स में आपके आ, सारे हेलाइड हो सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो सारे हो सकते हैं तो वैसे बना के वो दे देगा आपको ठीक है तो बस थोड़ा सा ऐसा पहचानना है कि जैसे ही मुझे दिख जाता है क्या कि कोई जिंक ग्रुप प्रेजेंट है जिंक ग्रुप प्रेजेंट है जिसके एक साइड्स पे तो है मेरा आर और फिर जिंक है और जिंक से कनेक्टेड कोई एक्स ग्रुप है ठीक है इतना चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऐसा दिया है सब्ज्रेक्ट में साथ ही साथ उसके साथ किसी ग्रुप को और दिया है जो भी एक टाइप का आर ग्रुप है ऑर्गेनो हेलाइट ग्रुप है ऑर्गेनो हेलाइट ग्रुप दिख रहा है आपको दिस द ऑर्गेनो हेलाइट ग्रुप तो जैसे ही मुझे लगा कि क्वेश्चन में ये दो चीज़ें हैं साथ ही साथ मुझे दे रखा है क्या पैलेडियम का कोई भी मलिक्यूल उसने दे रखा है लाइक पी पी एस थ्री होल फोर ये वर्क करते हैं एज ए कैटलिस्ट है ना बस इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ा चेंज करते हैं फिर ये एक्टिव हो जाता है और ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसको तो ये यहाँ पे पैलेडियम से के बने कोई कंपाउंड दे रखे या निकल का कोई कंपाउंड दे रखा है पी पी एस ट्री होल्ड वाइज ऐसे दे रखे हैं या फिर कोई और कैटलिस्ट दे रखा है लाइक पी डी पी पी एस ट्री होल्ड वाइज एंड सी एल टू ऐसे टू ने टू पॉजिटिव फॉर्म में दे रखा है पैलेडियम को तो ऐसे कोई भी कैटलिस्ट का प्रेजेंस दिख गया हमें साथ ही साथ ऑर्गेनोजिंग और हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक है ग्रुप दिखा तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है नगेसी कपलिंग रिएक्शन अब कुछ नहीं करनी है आपको नगेसी कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं करनी है यहाँ से ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों आर आर के कपल हो जाएंगे और ये आपस में बॉन्ड बना के बाहर हो जाएगा ठीक है बस इतना ही रिएक्शन होनी है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं अगर हमने जज कर लिया कि ये कौन सा रिएक्शन है ठीक है पर अब डायरेक्ट तो देते नहीं है पेपर में उसमें कुछ कुछ रिएक्शन को जैसे रीफॉर्मिस की रिएक्शन के साथ में कपलिंग रिएक्शन को मिक्स करके दे देंगे ये बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से ना मिक्स करके देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पर कुछ स्टेप को आप बहुत ईजी कर सकते हो देखो ये था मेरा योला आर ग्रुप सपोज मैंने इसे आर डैश मान लिया है आर डैश और यहाँ से ये हेलाइट निकल जाएगा इसके साथ अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊँगी कैसे निकलता है ये हेलाइट इसके साथ में निकल जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बनेगा कुछ ऐसा जिस ए प्रोडक्ट जो आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे क्लियर है इतना इसमें भी आप रिएक्शन करा सकते हैं यहाँ पे मैंने ले रखा है बहुत सारा बेंजीन में सब्सिट्यूट कर दिया गया है हाइड्रोजन को आयोडीन के थ्रू ठीक है तो ये है अब इसके रिएक्शन दे रखा है इसके साथ तो सबसे पहले तो ये है कि इनके जितने भी हेलो ग्रुप है ना उसको हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं ठीक है और सब्सिट्यूट करके उसके जगह में किसी भी आर ग्रुप को लाया जा सकता है राइट यहाँ पर कोई एक्स होगा तो यहाँ पे क्या करती हूँ यहाँ पे सिक्स मिलक्यूल है तो मैं ले लेती हूँ सिक्स मिलक्यूल सिक्स मैंने ले रखा है यहाँ से फिर से कैटलिस्ट सेम ही होगा कोई पैलेडियम की कंपाउंड होंगे एज ए कैटलिस्ट पी पी एस थ्री होल फोर ठीक है अब होगा क्या रिएक्शंस में आपको सेम करनी है सब्सिट्यूट करना है और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देनी है तो बनने वाला क्या है हमारे पास यहाँ पे आर ग्रुप आर ग्रुप आर ये यार ग्रुप एक साथ हमने सारा सब्सिट्यूट करा दिया तो इजी वे में हमको समझ आ गया कि यार प्रोडक्ट जो है नगेसी में कुछ ऐसा बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनानी है एंड जो हेलो हेलो ग्रुप है उसको सब्सिट्यूट कर देना है किसके थ्रू हमारे पास जो जिंक होता है उसके थ्रू ठीक है हेलो जिंक के थ्रू इतना समझ आ गया अब चलते हैं इसके कैटलिटिक रिएक्शन में कि कैसे हम इसके कैटेलिटिक रिएक्शन को समझ सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होता है तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हम जो कैटलिस्ट लेते हैं इस टाइप की कैटलिस्ट जो हम लेते हैं वो होता है क्या है पेले का स्क्वायर एयरल कॉम्प्लेक्सेज हमने ले रखा है अब क्या होता है पेले के जो स्क्वायर स्क्वा कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो एक तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में है जैसे मैं पहले भी बताती थी, थी आपको जैसे ना मैंने केटलिस्ट ले रखा है पी पी एस थ्री होल फोर ठीक है ऐसे ले रखा है अगर मैं जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया था किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो इसके पास तो हो गए टोटल टेन इलेक्ट्रॉन्स क्यों क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में है ना जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है एंड हम जब सीरीज में जाते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाला तो जो पैलेडियम होता है वो होता है क्या डी टेन सिस्टम जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है ऐसा तो यहाँ से तो हो गया टेन इलेक्ट्रॉन और पी पी एस टी जो है वो टू इलेक्ट्रॉन रखता है वन लिगेन टू इलेक्ट्रॉन रखता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेन्स है तो यहाँ से टू इंटू फोर तो टोटल हो जाएगा हमारे पास एटीन इलेक्ट्रॉन तो ये अभी ना एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसी हैं ठीक है एक तो एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है साथ ही साथ स्क्वायर प्लेर है दोनों ही वेरी स्टेबल इस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और किसी पर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए ये ये उतना एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता ठीक है सबसे पहले तो ये क्या है एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वैसे स्टेबिलिटी हो गई है स्क्वायर प्लेयर बना रखा है जो बहुत ज्यादा इसके लिए फेवरेबल है तो वो इस कंडीशन में हम उसे डायरेक्ट रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते तो जो कैटलिस्ट होता है उसको रिएक्शन में यूज करने के लिए पहले एक्टिव फॉर्म में लाना होता है एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं इसके कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर्स को हटा दिया जाता है मतलब कुछ लेगेन को इसे एलिमिनेट कर देंगे तो कुछ लिगेन को इसे एलिमिनेट कर देंगे तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा कैटलिस्ट ही है लेकिन ये किस फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर टू यहाँ पर मेरा जो कैटलिस्ट है वो है आपके टू कोऑर्डिनेशन नंबर में जब ये टू कोऑर्डिनेशन नंबर में है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा अभी कितना था 18 था दो मैंने निकाल दिए दो निकाले मतलब फोर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिसियन्सी आ गई है ना तो यहाँ पे जो है अभी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो ये है मेरा फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब इतना समझ आ गया कि ये अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है कोऑर्डिनेटली भी सैचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है मतलब कोई भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है इसके साथ साथ ही साथ में ये जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी डेफिशियट है तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है हमारा कैटलिस्ट है इसी कैटलिस्ट के साथ फर्स्ट जो हमारा रिएक्टेंट है या सब्सिट जो हम ले लिए हैं ऑर्गेनो ऑर्गेनोहेलाइट ग्रुप उसका एडिशन होगा और ये एडिशन कैसा होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहाँ होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एडिशन विथ ऑक्सीडेशन है ना कोई भी जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा किसी हमारे कॉम्प्लेक्सेस में और ऐड होगा तो साथ साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह कैसा था ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था जीरो अब यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया है पहले एडिशन हुआ दोनों सीस फॉर्म में एडिशन कर लिए एडिशन करते ही अगर मैं यहाँ पे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जीरो से चला गया है किस में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ले फिर से तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर टू था यहाँ पे हो जाएगा फोर है ना एंड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो अब सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये जो है वो बन गए हैं हो गया वन वन इलेक्ट्रॉन उससे भी शेयर हो रहा है राइट right? तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि जहाँ से ये फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था अब सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए हैं कॉर्डिनेशन नंबर टू से फोर हो गया एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है दैट्स सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर में भी इंक्रीज हुआ है ना तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है इसके बाद क्या होता है थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है उस कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे वो किस फॉर्म में है सीज फॉर्म में सीज फॉर्म से वो चला जाता है ट्रांस फॉर्म में ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे सीज ट्रांस आइसोमेराइजेशन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें होने वाला है क्या सीज ट्रांस सीज ट्रांस आइसोमेराइजेशन ताकि ना उसको एलिमिनेट करने में हेल्प मिले ठीक है तो सीज ट्रांस आइसोमेराइजेशन होगा वो आपस में थोड़ा रीअरेंज होंगे और ये अरेंज होकर पहले जो लिगेंड सी सीज पोजिशन में थे वो अब चले जाएंगे ट्रांस पोजिशन में ठीक है ये तो हो गया मेरा सीस ये सीस फॉर्म में है अभी फॉर्म और वो अब चेंज होकर के किस में चला गया है आपका ट्रांसफॉर्म में चला गया है इतनी समझ आ गई तो अब यहाँ पे क्या हो गया सीस से वो ट्रांसफॉर्म में चला गया ठीक है यहाँ पे क्या हुआ सीस ट्रांस आइसोमराइजेशन आफ्टर दैट अब नया जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व हुआ कौन ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड एंड जैसे ही ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड आर डेज ज़िंक ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है वो अब एंटर मारेगा ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एंटर मारेगा और यहाँ पे होने वाला है क्या ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन यहाँ क्या होने वाला है हमारा ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन वॉट इज द ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है ट्रांसफर ऑफ द लिगेंड टू वन मेटल टू अनदर मेटल बस जब कभी भी दो जो लिगेंड्स होते हैं वो एक मेटल से दूसरे मेटल में चले जाते हैं और जो दूसरा मेटल का लिगेंट्स है उससे अटैच लिगेंट वो उसके पास आ जाता है इस रिएक्शन को ही बोल देते हैं ट्रांस मेटलेशन रिएक्शन वही होगा कैसे ये जो है ग्रुप वो ट्रांसफर होके इसके पास चला जाएगा और ये जो ग्रुप है वो ट्रांसफर होके इसके पास आ जाता है ठीक है मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ओनली जिंक एक्स बच जाएंगे एक्स टू एक्चुअली इसका आ जाएगा इसके पास और ये जो आर ग्रुप है वो चला जाएगा यहाँ पे आर डेज ग्रुप तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ क्या ट्रांसमेटलेशन का ये जो दो मेटल थे ये वाली मेटल और ये जिंक मेटल दोनों ने अपने अपने ग्रुप को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया ठीक है ट्रांसफर कर लिया इसको बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस ट्रांसमेटेलेशन प्रोसेस के थ्रू अब मेरे पास ये मिल गया अब होगा क्या ये अभी कैसे फॉर्म में है ट्रांसफॉर्म में ये भी अभी कैसा फॉर्म है आपका ट्रांसफॉर्म है।, है ना स्टीडियो केमिस्ट्री वाला ट्रांसफॉर्म है अगर ये ट्रांसफॉर्म है तो आप मुझे बताओ एलिमिनेशन हो सकता है क्या आगे मुझे क्या करनी है अब ब्रेन में तो है ही मेरे बनाना क्या है कार्बन कार्बन कपल करवानी है मुझे है ना तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग करनी है ठीक है तो बॉन्डिंग कब होगी जब उसको हम एलिमिनेट करेंगे बॉन्डिंग करने के बाद वो एलिमिनेट हो जाएगा तो जब भी हम रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि एलिमिनेट होने वाले ग्रुप कैसा होना चाहिए एक दूसरे के सीस में प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आगे हम फिर से उसको फर्दर चेंज करेंगे और चेंज करके वापस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीज टू सीज ट्रांस आइसोमरिज्म सीज ट्रांस आइसोमराजेशन प्रोसेस के थ्रू वापस से जो ट्रांसफॉर्म है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है किस में सीस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है ताकि इजली वो आपस में बॉन्डिंग बना सके अब होगा क्या मेरा ये जो दो ग्रुप है कार्बन कार्बन ग्रुप वो सीस पोजिशन पर आ गए हैं ये इजिली एक दूसरे से बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे और बॉन्डिंग फॉर्म करके रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू ये एलिमिनेट कर जाएंगे ठीक है आर एन आर डे दिज द प्रोडक्ट यही बनाना था मुझे पूरे प्रोसे, प्रोसीजर में तो यहाँ पे आर एन आर डेज ने आपस में कपल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया एंड जो कैटलिस्ट है उसे जिस फॉर्म में हमने लिया था बिल्कुल उसी फॉर्म में हमको मिल गया तो ये था कैटलिटिक साइकिल जो बहुत ईजी वे में आपको समझ आ गया है ना अभी तक मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा देती बेसिक मतलब बिल्कुल लर्न करने वाला कैसे कि जो नगेसी कपलिंग रिएक्शन है उसमें भी कपल ही होगा किन का किन का कपल होगा कार्बन एंड कार्बन का दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे यहाँ पे जो हम लेते हैं सबस्ट्रेट वो होते हैं क्या आपका एक तो होता है एल्किल हेलाइट ग्रुप और साथ में होता है आपका ऑर्गेनो जिंक ग्रुप है ना ऑर्गेनो एंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को लिया जाता है दो चीज़ें पता चला साथ ही पता चल गया कि हम कैटलिस कौन सा यूज़ करते हैं निकिल का कैटलिस यूज करते हैं जो कैसा होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेक में रिएक्शंस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप में हुआ ऑक्सीडेटिव एडिशन उसके बाद हुआ सीस ट्रांस आइसोमिलाइजेशन आफ्टर दैट हुआ क्या मेटल ये होता है आपका ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन के बाद हमारा चेंज हो गया है लेकिन फिर हो जाएगा फिर से एसोमराइजेशन और लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको मिल जाता है बस इतना ही है है ना अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि पेपर में कैसे किस फॉर्म में क्वेश्चन को करते हैं या किस स्टेप में ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के ये दे, दे देता है हमें कैसे उसको जज करना है कि क्या बन रहा है ठीक है तो अब मैं बताती हूँ उसके बारे में अभी इतना तो पता चल गया कि नगेसी कपलिंग रिएक्शंस की क्या कैसे कैसे हम उसको पहचान सकते हैं और क्या प्रोडक्ट को वो फॉर्मेशन करता है ना उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है चलो इसको बनाते हैं इससे और ज़्यादा क्लियर होगा मैकेनिज्म के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है सबसे पहले हमें देखना होता है कि दिया क्या है हमारे पास तो हम थोड़े से ना उसके रिएक्टेंट में चले जाते हैं यहाँ पर सिंपल क्या दिया है बिनजेडी हाइड दे रखा है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर कुछ दिया है जिसमें लीविंग ग्रुप है यहाँ बोल सकते हैं हेलो ग्रुप प्रेजेंट है ना यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये है एस्टर ग्रुप और ये अल्फ़ा पोजीशन पे कोई हेलो ग्रुप है मतलब बोल सकते हैं अल्फ़ा हेलो एस्टर ग्रुप हमारे पास है अब क्या होता है जो जिंक है वो क्या है ट्रांजिशन मेटल है जिंक ट्रांजिशन मेटल है और आपको पता है कि जो जिंक होते हैं वो टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं यही रीज़न है कि हमारे बॉडी के अंदर चाहे बहुत सारे इंजाइम्स को पढ़े हम या कैटलिस्ट को पढ़े वहाँ जिंक इन्वॉल्व होता है है ना मैंने आपको बायोनॉर्ग नहीं पढ़ाया था उस टाइम पर भी बता दिया था कि बहुत सारे इंजाइम वाले जो रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं उन सबका जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है वो क्या है जिंक है तो बोल सकते हैं जिंक बहुत अच्छे से रिएक्शन कर सकता है ठीक है तो होगा क्या सबसे फर्स्ट में क्या करेगा इसे थोड़ा ओपन करके लिखते हैं द तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूँ स्टेप फर्स्ट इसमें होने क्या वाला है तो इसमें तो कुछ फोर्स दिखने रहे मुझे वो ड्राइविंग फोर्स तो दिखना चाहिए ना रिएक्शन के लिए तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले मैंने इसी पे फोकस किया तो यहाँ से जब हम इसे ओपन करके लिखते हैं ठीक है चलो इसी से बनाते हैं ओपन करके लिखते हैं तो समझ आता है मुझे कि यहाँ पे है बी आर और ये हो गया हमारा एस्टर ग्रुप एस्टर ग्रुप को आप थोड़ा ओपन करके लिख लो ये ओ और यहाँ पे है आपका एम ई और यहाँ पे फर्दर कोई एम ई ग्रुप है कार्बन ने बना रखा है तो यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा हो गया ऐसा इतना पता चल गया अब क्या करेगा ये जो जिंक है वो एंटर करेगा अब ये जिंक क्या करता है सबसे फर्स्ट अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पाई एक्सेप्टर ग्रुप को डाल देता है ठीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही दिख रहा है है ना तो क्या करेगा ये जो जिंक है वो पाई असप्टर ग्रुप में किसके पाई असेप्टर ऑक्सीजन के पाई असप्टर जो एंटीबॉन्डिंग जो वो है आपका उसमें डाल देता है किसको इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डाल के क्या हो जाएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा ठीक है थोड़ा आगे लिख लेते हैं फर्दर ये क्या किया यहाँ पे से इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन देने से ये वाला जो बॉन्ड है वो चला जाएगा यहाँ होगा ऐसा जैसे ही जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने तो अपना फुल कर लिया इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड्स था वो मूव कर जाएगा और मूव करके इस पोजिशन में और इस पोजिशन में आते ही अब ये जो ब्रोमीन है वो जाएगा कहाँ लीव कर जाएगा क्योंकि आपको पता है आराम से वो लीव कर जाता है तो इतना प्रोसेस तो मुझे समझ आ गया लिखेंगे कैसे ऐसे अब जो मेरे पास बना है वो कुछ ऐसा कि ये तो है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन और इस कार्बन के जो ऑक्सीजन है उससे अटैच है हमारा क्या जिंक ग्रुप अटैच है जिंक ग्रुप उस ऑक्सीजन से अटैच है साथ ही हम हाँ, इधर तो आ जाएगा आपका ओ एम ई जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कोई चेंजेस नहीं आई है उस पर इसलिए उसको वैसे ही रख देते हैं एम ई यहाँ पे है और आपका हाइड्रोजन है इतना चीज़ें हमें अभी तक समझ आ गया ये जो ब्रोमीन निकल के गया है वो आ जाएगा कहाँ पर एक्चुअल में ये जो है वो अब आ गया है कैसा पॉजिटिव ये जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव फॉर्म में है तो अब जो ब्रोमीन निकल के गया है वो बिल्कुल इसी के पास जाके अटैच हो जाएगा ठीक है इसे बॉन्ड के फॉर्म में हम दिखा देते हैं ज़्यादातर बुक में बॉन्ड के फॉर्म में ही लिखा रहता है तो ये जो ब्रोमीन बाहर गया है वो जिंक के साथ ही बॉन्डिंग करके आ जाता है तो यहाँ तक का प्रोसेस तो समझ आ गया ठीक है आगे क्या हो सकता है फिर से फर्दर ये ट्राई करता है कि वो वापस अपने फॉर्म में आ सके और यहाँ से ये जो है बॉन्ड मूव करता है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा यहाँ से ये यह, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा ये अलग हो गए तो ये अलग होकर हो हो के शिफ्टिंग होगी रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ से आके अटैच हो जाएगा क्लियर है तो जो आगे का स्टेप है उसमें होने वाला क्या है हमारा यहां से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड से अटैच है आपका कार्बन ग्रुप कार्बन ग्रुप ने अपना फर्दर एस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है इतना चीजें हो गया है ये यहाँ सिफ्ट हुआ बॉन्ड मैंने डबल बॉन्ड बना दिया ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो चुका है सिफ्ट कर गया है ना तो यहाँ से अब अटैच हो गए हैं मेरे क्या जिंक बी आर ग्रुप हो गया अटैच यहाँ पे ऑलरेडी था हमारे पास एम ई ग्रुप तो इतना जो है वो हमको कंपाउंड मिल गया अभी तक अब आपको क्या समझ आ रहा है जो अभी कंपाउंड मिला है मेरे पास वो क्या है और जिंक कंपाउंड सीधे से समझ आ रहा है इज अ जिंक कंपाउंड बन गया जिंक यही चाहिए होता है हमको किसमें है उसमें हमारा नकेसी कपलिंग रिएक्शन में तो ये मेरे पास बन गया है अब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कैसे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कैसे ये तो हो गया हमारा जिंक और बी आर वन जैसे हम समझ सकते थे और ये पूरे ग्रुप को आप मान लो आर ये पूरे ग्रुप को आप मान लो आर ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही बन गया ना जैसे लेते थे बी आर होता था जेड होता था और ये आर होता था ठीक है इतनी चीज़ें समझ आ गई अब क्या होगा आगे के स्टेप में जो मेरे पास दे रखा है ग्रुप उसको ले लेते हैं क्या ग्रुप दे रखा है बेंजिल बंजिलडीहाइट ये कुछ ऐसा ग्रुप है कार्बन डबल पाउंड ओ और यहाँ पे हाइड्रोजन अब आप थोड़ा सा चीज़ें देखा करो इससे ड्राइविंग फोर्स को आपको पता चलता है यहाँ पे हो क्या सकता है पॉसिबिलिटीज क्या है तो देखो जिंक एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो जिंक क्या है मेटल है तो ऑलवेज हमें पता चलता है कि जिंक में पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो मेटल है है ना ट्रांजिशन मेटल है और यहाँ पे कार्बन उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अब है क्या यहाँ पे साइड्स देखते हैं तो ये है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव साइड और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड ऐसा ही क्या करो आपको नाम पता हो या ना हो ठीक है कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को अगर हमें उस रिएक्शन के नेम पता है तो ही हम उसको प्रोडक्ट बना पाएंगे ऐसा नहीं है अगर आप रिएक्टेन को बहुत अच्छे से देखते हैं ठीक है रिएक्टेन को देखें उसका ड्राइविंग फोर्स ढूंढे कि यार क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ क्या है थोड़े थोड़े चीज़ों का आपको नॉलेज है जैसे जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन कहाँ भी डोनेट करेगा कौन सा जगह उसके लिए बेस्ट है ऐसा चूज़ करना आपको पता होना चाहिए साथ ही अब मैंने जब ऐसा बना लिया तो ऑर्गेनोजिंक बन गया मेरा तो अब मुझे पता होना चाहिए कि इसमें एक स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है और एक मेरे पास ऐसा ग्रुप भी है कोई हेलो ग्रुप है है ना तो कैसे होगा रिएक्शन कुछ नहीं बस ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जो हमेशा से होता है नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करेगा किस पे नेगेटिव चार्ज पे एक साथ रिएक्शन हो जाएंगे है ना होने के बाद हमारा अब जो नेक्स्ट स्टेप में बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा ये तो है आपका सिंपल बेंजीन ग्रुप इसमें तो कोई चेंजेस आया नहीं है ये है कार्बन ग्रुप और अब कार्बन से अटैच हो चुका है मेरा वोली ग्रुप जिसमें क्या बना है आपका डबल पॉइंट ओ ओ, ओ एम ई राइट इतनी चीज़ें हैं साथ ही आपका ये एम ई ग्रुप प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें जो है वो अटैच हो गया है इस कार्बन से ये वाली कार्बन से और अब बन गया है मेरे पास इधर तो आपने लगा लेनी है हाइड्रोजन और अब यहाँ पे क्या बनने वाला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे फर्दर जिंक एंड ब्रोमिन से हो गया ऐसा ये पाउंड यहाँ से बनाया ये यहाँ से बना हाँ बिल्कुल करेक्ट है इतना अब होगा क्या चीजें और फर्दर आपस बाद में रिएक्शन होगा स्कलिप वाटर से हो गया किसी से भी इसको चेंज करके यहाँ ला दिया जाएगा हाइड्रोजन और बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट मतलब आपको ना आगे का जो स्टेप है वो अपने आप ऑप्शन में पता चल जाएगा ऑप्शन में आगे हो सकता है उसने हीट करा रखा रखा है साथ में बेंजीन दे रखा है है ना ये क्या है बेंजीन है तो बेंजीन दे रखा है साथ ही हीट करा रखा है तो आगे थोड़ी सी प्रोसीजर होगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ यही होगा यहाँ से आपका ओ एज ग्रुप लग गया और बाकी कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कौन कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ का एक कार्बन ये वाला एक कार्बन और ये वाली कार्बन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई इसी को हम बोल सकते हैं आर आर कपलिंग और ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ न के कपलिंग रिएक्शन ठीक है तो इतनी चीजें हमें समझ आ गई कि कुछ ऐसा रिएक्शंस भी होता है या दिया रहेगा उसको हमको थोड़ा सा फील करके उसको बनाना है ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाने से अपने आप बन जाएंगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा नगेसी कपलिंग रिएक्शन चलो स्टार्ट करती हूं मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास वो भी सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे एग्जाम में आया हुआ था तो उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं कि क्या बनने वाला है प्रोडक्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको देखे जाऊंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना ठीक है एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास इससे कनेक्टेड है आपका साइनाइड ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है कुछ बी ग्रुप ठीक है आगे दे रखा है उसने जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड दे रखा है फर्स्ट में साथ ही सेकंड में दे रखा है आपका कॉपर सायनाइड टू लिथियम ब्रोमाइड ये दे रखा है उसने यहाँ से बन जाएगा ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट के बाद फर्दर इसका रिएक्शन कराया गया है पी एच सी ओ सी एल से ठीक है ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड कुछ ऐसा रिएक्शन उसने करा रखा है देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है या क्या बन सकता है रिएक्शन में स्टार्ट करियो बनाना सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि बस एक ड्राइविंग फोर्स देख रहे हैं कि क्या बन सकता है पॉसिबिलिटीज़ क्या है क्या बनने का ठीक है एक मुझे दिख गया है कि यार इसने जिंक दे रखा है फिर मैंने देख लिया इसने ब्रोमीन भी दे रखा है और एक हमारा क्या दे रखा है ग्रुप आर ग्रुप दे रखा है ठीक है तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें तो सीधे से हो जाएगा ये जिंक इससे रिएक्शन करेंगे और जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हो जाएगा आपका एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये बी आर यहाँ से अटैच हो गया ये वैसे के वैसे रहा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाना तो डिफिकल्ट था तो सिंपल से हमें फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि यार ये जो जिंक है उसे रिएक्शन करा देते हैं रिएक्शन करा के मतलब इंसर्ट हो जाएगा बीच में जिंक और वो कुछ इस टाइप से बना लेगा तो फर्स्ट में तो इतना पता चल गया क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है राइट और ट्रांजिशन मेटल जो है वो ऐसे दो बॉन्ड्स के बीच अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटैच हो सकते हैं इतना समझ आ गया अब आगे के स्टेप में क्या दे रखा है उसने आगे का जो स्टेप है उसमें सेकेंड में उसने दे रखा है क्या कॉपर साइड दे रखा है अब ध्यान दो ये है मेरा ट्रांजिशन मेटल ये भी है क्या मेरा एक ट्रांजिशन मेटल और मैंने पहले भी बता दिया था कि एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इज़ ए रिएक्शन एंड वॉट इज़ अ ट्रांसमेटेलेशन रिएक्शन तब भी मैंने बताया था राइट right? ट्रांसमेटेलेशन रिएक्शन जो होते हैं उनमें दो जो ट्रांस मेटल होते हैं वो या तो ख़ुद में ही एक्सचेंज होंगे या उनके लिगेंट को वो एक्सचेंज कर लेते हैं लेकिन जब वो एक्सचेंज करते हैं अपने लिगेंट का तो उनके ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आती ठीक है तो ये भी है आपका ट्रां ये भी है हमारा क्या है ट्रांजिशन मेटल है और जिंक भी हमारा ट्रांजिशन मेटल ही है तो ये क्या करेंगे आपस में लिगेंड का एक्सचेंज कर लेंगे ठीक है तो बस लिगेंड का जब ये एक्सचेंज करेंगे तो ये जो आर ग्रुप है वो चला जाएगा कॉपर के पास और इसका जो ये ग्रुप है वो आ जाएगा जिंक के पास ठीक है तो एकदम बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर क्या होने वाला है वैसे अभी देखा जाए तो इस स्टेप का कोई यूज़ नहीं था इस रिएक्शन में तो नहीं है पर ये प्रोसीजर है कि ऐसा कुछ भी दे रखा है तो एकदम घबराना नहीं है कि यार आगे क्या होगा इसका क्या रोल है साथ ही साथ इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा है ना नहीं हुआ और कभी कभी ना इसमें लिथियम नेपथलिन डाल के दे देता है तो भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो बस इतना काम करता है कि जिंक जो है उसको एक्टिव बना देता है ठीक है आपका जिंक क्लोराइड के साथ अगर वो कुछ और भी डाल के दे रहा है लाइक लिथियम नेपथथेलाइट करके कुछ होता है वो डाल के दे रहा है वो सॉल्वेंट तो भी डरने के लिए नहीं है वो डराने के लिए दिया है आपको बस उसका कोई रोल नहीं है वो इसके साथ जब डिजॉल्व होता है दोनों रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करता है जिंक को हाईली रिएक्टिव बना देता है कि जिंक जाके जल्दी से अटैक कर सके तो ओनली उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे ऐसे सोलबिन वगैरह दे दिए रहते हैं तो ना ज़रूरी नहीं है कि जो भी दिया है रिएजेंट में वो सब यूज़ हो हमारे रिएक्शन में अगर हमारा ब्रेन साफ़ है कि हमें यूज़ किसको करना है पता है तो विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को कर लेते हैं ठीक है अभी जब हम नगेशे पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि यार बस जिंक को अटैक करा देनी है कहाँ पे तो दो बॉन्ड है उसके बीच में जिंक को डाल के सबसे पहले तो ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड बना देते हैं इसलिए मैंने बहुत ही स्पीडली ऑर्गेनोजिंक बना लिया एग्जाम में थोड़ा टेंशन होता है क्योंकि तब हमारा ब्रेन में क्लिक नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनोजिंक बना लिया अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद मुझे दिखता है कि यार ये भी ट्रांजिशन मेटल है ये भी ट्रांजिशन मेटल है और कपलिंग रिएक्शन में ज़्यादातर क्या होते हैं आपका ये होता है ट्रांसमेटिलेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे ट्रांसमिटलेशन प्रोसेस से लेकिन जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करके अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉपर ग्रुप कॉपर ग्रुप यहाँ पे पहले अटैच होगा कॉपर ग्रुप अटैच हो जाएंगे ये ग्रुप इसके साथ ही कॉपर के साथ अटैच हो जाएगा साइनाइड है साथ ही अपने सारे ऐसे जिंक को भी रखेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका बी ठीक है इतना प्रोसेस हमें समझ आ गया कि होना क्या था आगे फर्दर रिएक्शन कराते हैं ये बन गया ओवरऑल मेरा बन गया क्या ए ये बन गया मेरा ए प्रोडक्ट जो उसने पूछ रखा है इससे आगे और कुछ नहीं है बस ए प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया ट्रांस हुआ दैट्स इट आगे उसने क्या कर रखा है आगे फिर से फर्दर उसने ग्रुप दे रखा है क्या सी ओ और ये सी एल फिर जैसे हम हमेशा से देखते हैं कि यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्या है पार्शली नेगेटिव चार्ज है और ये मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसके केसेस में भी यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है ऐसा तो ये डायरेक्ट आके इसके साथ अटैच होगा ये जाएगा इधर और हमारा रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट बनने वाला है प्रोडक्ट ये बन गया इससे तो कनेक्टेड है हमारा ये ग्रुप तो वहीं से कनेक्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ये हो गया आपका पी एच जब ये ऐसा हुआ तो उधर जाने के बजाय जैसे इसने अटैच किया अटैच करने के बाद इसको निकाल दो आप रिमूव करा दो रिमूव हो गया तो ये हमारे पास बन गया इतना चीज़ ही साथ ही आपका एक जगह से आके अटैच हुआ है हमारा साइनाइड ग्रुप राइट इस वाले पोजिशन पर है सी ग्रुप तो ये तो था मेरा सी प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए था इस रिएक्शन में यही प्रोडक्ट बनेगा बस तो ऐसा ना देख के आपको थोड़ा सा करने आना चाहिए अब एक दो क्वेश्चन देख के मैं स्टॉप करती हूँ होप आपको समझ आ गया होगा न नगेसी कपलिंग रिएक्शन एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आप बना के मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एक दो इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देती हूँ ठीक है एक तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या जिंक क्लोराइड है और उसने रिएक्शन कर रखा है डबल आई बॉन्ड एच और यहाँ पे आ गया यहाँ पे एक ग्रुप है कुछ ऐसा बस इतना दे रखा था और साथ ही आपके कैटलिस्ट दे रखा था पी पी एस थ्री होल फोर टी एच एफ ऐसे दे रखा था ठीक है आपको देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पे ऑर्गेनो जिंक है साथ ही यहाँ पे आपका है आपका क्या ऑर्गेनो हैइट ग्रुप दोनों में रिएक्शन होंगी ये ग्रुप आके यहाँ से अटैच हो जाएगा होगा तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो और ये जो बॉन्ड बना लेंगे बात करते हैं थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री में ये जो ग्रुप है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझ आ रहा है कैसा है ट्रांस है देखिए समझ आ रहा है ना ट्रांस टाइप का ही है क्यों अगर नंबरिंग करें तो ये होगा आपका वन ग्रुप ये टू ये टू ग्रुप वन ग्रुप होगा ऐसे अगर ऐसा देखा जाए तो ये है कैसा ट्रांस ट्रांस उसमें है तो बिल्कुल जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो जहाँ पे आई है ट्रांस पोजिशन पर वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये जो हमारा बल्कि ग्रुप है वो इसी जगह पे आके अटैच हो जाएंगे चलो इसका तो प्रोडक्ट भी तो बता ही दिया मैंने एक क्वेश्चन और है कुछ नहीं करना है मैंने बता दिया यहाँ से ये हटेंगे यहाँ से ये आई और ये डायरेक्ट जाके कपल कर जाएंगे आर आर कपलिंग से हमारा नगी सी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन और है जो आप कर लेना बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो देख के बस एक छोड़ दे रही हूँ मैं आप ना करके स्क्रीन शॉट लेके मुझे भेज देना ये आपका जिंक आई है और वो रिएक्शन कर ले रहा है डबल बॉन्ड ओ से सेम चीज़ें हैं यहाँ पे पेलेडियम का ज़ीरो कोई कैटलिस्ट है वट इज़ अ प्रोडक्ट तो ये बनाओ और कमेंट बॉक्स में डाल देना ठीक